जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट में, यानी 14/12/2017 में फर्स्ट शिफ्ट में, उसी उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा यह कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि बड़वानी में कौन सा मंदिर किस देवता का मंदिर है। बड़वानी में कौन सा मंदिर है, किस देवता का मंदिर है? तो ये मंदिर है भीलड़ देव शिखर धाम का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में फिल्म केंद्रीय मंत्री कौन है, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2017 में पीवी सिद्धू ने किस देश से ट्रॉफी जीती थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में भारत की दूसरी रक्षा मंत्री किसे चुना गया है। तो हाल ही में भारत की दूसरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की प्रथम न्यायाधीश कौन है। तो भारत की प्रथम न्यायाधीश है लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक है विश्व स्तर पर फैला हुआ जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आउट शो करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में ऑप्शन या कुछ और कहाँ होता है। एमएस एक्सेल में ऑप्शन या कुछ और कहाँ होता है, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एमएस एक्सेल की सेल का डाटा कॉपी करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो एमएस एक्सेल की सेल का डाटा कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मैसूर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कान खुजलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कान खुजलाने के मुहावरे का अर्थ जो भी होगा आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था। तो मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था। तो मंगलयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का राजनीतिक प्रशासक कौन होता है। तो नगर निगम का राजनीतिक प्रशासक होता है महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई। तो मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका दतिया में सन 1907 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नर्मदा पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो नर्मदा पर बना सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राममोहन राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे। तो महान पुरुष बिरसा मुंडा थे झारखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया। तो सबसे पहले पेट्रोलियम असम डिगबोई से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम जबलपुर में सन 1864 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर ग्राम समुद्री योजना कब लागू हुई। तो जवाहर ग्राम समुद्री योजना 1 अप्रैल को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सूत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि परार्थ का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।